हेलो फ्रेंड, हम इस वीडियो में देखेंगे फुल नोट एंड हाफ नोट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। कीबोर्ड का स्ट्रक्चर संबंधना जरूरी है। स्ट्रक्चर देखो कीबोर्ड का, यहाँ से अगर सी से चालू करें हम, ये नोट है ठीक है, सब नोट बोलते हैं बटन्स को। तो ये सी है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फ्रीक्वेंसी जो रहती है आवाज़ इसका कीबोर्ड का वो ऐसे रहता है, सी सी शार्प डी डी शार्प ऐसा जाता है देखो, ठीक है ऐसा। सी के बाद जो बटन है ना वो सी शार्प है, डी नहीं है। सी के बाद सी शार्प, फिर सी शार्प के बाद डी, फिर डी के बाद डी शार्प, ऐसा लाइन से चलती है। तो होल नोट या फुल स्टेप ठीक है, इसको तीनों बोलते हैं। होल नोट भी बोल सकते हैं, फुल नोट भी बोल सकते हैं, होल स्टेप भी बोल सकते हैं, फुल स्टेप भी बोल सकते हैं ठीक है। वैसे हाफ नोट को हाफ नोट हाफ स्टेप भी बोलते हैं। तो देखो सी है ना, सी का फुल नोट क्या होगा या होल नोट क्या होगा, सी के बाद एक फ्रीक्वेंसी छोड़ के जो बटन है, तो सी के बाद सी शार्प को छोड़ दो, और यहाँ डी, सी के बाद जो डी है वो सी का फुल नोट है, सी का फुल नोट डी, डी का फुल नोट ई। वैसा ही ई का फुल नोट क्या हो जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ के, मतलब ई के बाद कौन सा बटन है, एफ, तो एफ को छोड़ के जो एफ शार्प है वो हो जाएगा ई का फुल नोट या होल स्टेप ठीक है। ये हो गया फुल नोट। वैसे ही हाफ नोट या हाफ स्टेप क्या होता है, जैसे सी का डी था फुल नोट, वैसे सी का हाफ नोट हो जाएगा सी शार्प, मतलब उस नोट का अगला वाला फ्रीक्वेंसी। जैसे सी का सी शार्प है हाफ नोट या हाफ स्टेप, वैसे डी का डी शार्प। ई का क्या हो जाएगा, ई का जो हाफ नोट है वो एफ हो जाएगा। वैसे ए शार्प का क्या हो जाएगा, ए शार्प का हाफ नोट हो जाएगा बी, और ए शार्प का फुल नोट हो जाएगा ये सी ठीक है। बस यही है हाफ नोट एंड फुल नोट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको अच्छे से याद रखना।